नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकुरी सिन्हा और कोरोना के शाम को आपको सुना रही हूँ हर बारिश में से कुछ अंश पाठ टिप्पणी के साथ। ये किताब इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि फिलहाल जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ वो एक नमूना है इसके इतने खूबसूरत होने का। प्राग एक स्वप्न, जहाँ रूसी सेनाएं प्राग पर पहुँच रही हैं और एक भारतीय लेखक वहाँ मौजूद होकर अपनी भाषा में अपनी आंखों के आगे घटने वाला हाल हमें सुना रहा है। कितना अद्भुत हो सकता है कि हम चेकोस्लोवाकिया के इस प्राग स्प्रिंग पर, सोवियत इन्वेजन पर कई किताबें ढूंढ लें और पढ़ लें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ढूंढेंगे इतिहास की इतनी किताबें इस पर मिलेंगी। लेकिन ये जो दृष्टि है व्याख्या की, ये कहीं और नहीं मिलेगी, ये एक भारतीय इतिहासकार की साहित्यिक दृष्टि है। निर्मल जी इतिहास के विद्यार्थी और मैं कहूँ कि स्कॉलर रहे और वो दृष्टि संपृक्त करती है उनकी इस तरह की लेखनी को भी, जिन्हें वो रिपोर्टाज कहते हैं। वो पत्रकार क्लब से अपनी बात शुरू करते हैं और इतिहासकार पत्रकार अक्सर चोले बदलते रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ जो खास बात है, और दोस्तों मैं बता दूं कि जब पिछली बार मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा था कि उन्होंने तारीख तो इसमें लिखी है 21 अगस्त, लेकिन साल नहीं लिखा। और मैंने कहा था कि काश के ऐसा होता कि उसमें साल भी होता। तो आज मैंने ढूंढा कि वो क्या साल था। वो विश्व प्रसिद्ध साल है जब प्राग स्प्रिंग पर आक्रमण हुआ था रूसी वॉर्सो पैक्ट के तहत, और दुबचेक एक चिंतित नेता के रूप में नज़र आ रहे थे। आगे की कथा जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मैं सुनाऊंगी, लेकिन इसकी जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर भी टिप्पणी करूंगी। आगे वॉर्सो पैक्ट पर, ईस्टर्न ब्लॉक पर, प्राग स्प्रिंग की और भी विशेषताओं पर। प्राग स्प्रिंग एक यूनिक कल्चरल पॉलिटिकल सांस्कृतिक आंदोलन जो बहुत राजनीतिक भी था, इसलिए क्योंकि वह सत्ता से छन कर आया था। ये केवल सत्ता ही उस वक्त कर सकती थी कि अपनी संस्कृति को, संस्कृति होने का, राजनीति से कुछ मुक्त होने का अवसर दे, है ना। तो प्राग स्प्रिंग मार्क्सिज्म का एक ह्यूमेन फेस, एक विचारधारा की संकीर्णता से अलग हटने का प्रयास था, उपक्रम था, बहुत कुछ था। प्राग स्प्रिंग इतनी आसानी से नहीं उसको खुद दो वाक्य में कहा जा सकता है। वही बात जो मैंने उन्होंने कही कि मैं प्राग को केवल एक स्टोरी में नहीं बता सकता, चाहे वो पत्रकारी हो या साहित्यिक हो या कुछ भी। तो इस तरह से, और जहाँ हमने बात खत्म की थी वो ये जगह थी कि निर्मल जी एक ट्राम से गुजर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं वापस इस टेक्स्ट में लौटूं, मैं आपको बता दूं कि बड़ी गंभीर शाम है, कोरोना है ना। ये साल है 2020, सितंबर का पहला दिन है और मौसम ने अचानक एक खुशनुमा करवट दी है। मैं बहुत दिनों से दुआ कर रही थी कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, और अभी अभी बारिश तेज़ हो रही। तो दुआ मेरी कबूल हुई। हो सकता है कि बहुतों को नाराज़गी हो इसलिए क्योंकि बारिश का मतलब है कि हर कहीं पानी लगता है क्योंकि पानी का कोई निकास नहीं है।
एक छोटी कहानी मैंने इस पर भेजी थी जो याल्टा फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई, लेकिन बारिश तो चाहिए ना, बारिश तो धरती को भी उसी तरह चाहिए जैसे मुझे, नहीं तो क्या हो। तो बिजली कल भी चमकी थी, मैंने इंतज़ार किया था, बिजली आज भी चमकी, मैंने बहुत दुआएं की, और जब बिजली दोबारा और तिबारा और चौथी बार चमके तो समझिए कि बरसात होगी और हो रही है। तो बारिश की ठंडी हो रही, फाइनली 1 सितंबर की इतनी गर्मी की दोपहर की और इतनी ही तपिश भरी शाम, तो उसके बाद क्या रूहानी सुकून है बारिश में। और ऐसे में हम पढ़ेंगे निर्मल जी की कथा। पता नहीं जब आप सुन रहे हैं तो आपके आसपास मौसम कैसा है, लेकिन भारत का समर्स, इंडियन समर्स, भारत की गर्मी विश्व प्रसिद्ध है अपने ताप और अपनी बारिश, इंडियन मानसून विश्व प्रसिद्ध है। तो मानसून की आवाज़ आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। आई एम स्क्रीमिंग ऑलमोस्ट टू फाइट इट, मैं और ऊंचा बोलूंगी, लेकिन मुझे बहुत, मैं चाहती हूँ कि बारिश की आवाज़ आए, पता नहीं आ रही है या नहीं, लेकिन जो भी हो, हम जहाँ थे वो ऐसी जगह थी कि निर्मल जी ट्राम से रात में उन्हीं दिनों में गुजर रहे थे शहर के बीचों बीच से, शायद प्रेस क्लब से निकल कर अपने घर जा रहे हो, और उन्होंने देखा कि भयानक भीड़ एक जगह इकट्ठी है और वो उतर गए, और उन्होंने पाया कि एक अपील पर लोग दस्तखत कर रहे हैं। मतलब कितने ऑर्गेनाइज्ड, शांति प्रिय और डिसिप्लिन लोग हैं। हमारे यहाँ उस तरह भगदड़ नहीं, हमारे यहाँ चोर बाजारी नहीं, हमारे यहाँ की चोर बाजारी की तरह की चोर बाजारी नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं, राशन की दुकान पे गरीबों के साथ जो हुआ है वैसी बात नहीं। मतलब एक 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 देश जो अपने ऊपर थोपे गए एक वैचारिक प्रशासन से अपने को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, उसके नेता के ऊपर टैंक चले आते हैं, रूसी आक्रमण लगभग होता है, और लोग बड़ी शांति से रात में दस्तखत कर रहे हैं उस नेता को संबोधित एक अपील पर। कितना विश्वास, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं नेताओं का नाम लेने वाले, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा एक भी नेता नहीं है, चाहे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या ऑपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी हो और उनके सुपुत्र राहुल गांधी हो या कोई भी हो, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने पे इस तरह विश्वास जगाए, क्योंकि आप लगातार अपना दर्द कहते हैं और वो दर्द बढ़ता ही चला जाता है, जबकि आप देख रहे हैं कि उसको सुनने वाले लोग हैं सामने मौजूद। फिर तो एक भी ऐसा नेता नज़र नहीं आता जिसके नाम पर इस तरह से लिख कर हस्ताक्षर करने की जहमत और ज़रूरत करे इस देश की जनता, जबकि बहुत से लोगों ने अपील की है वरवर राव को छोड़ने की, उनकी कविताओं के पाठ किए गए मेरे जैसे लोगों के द्वारा और भी दूसरे लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी अब हम देखेंगे कि कौन लोग हैं। प्रेम में सोए बच्चों के पीछे खड़ी जवान माताएं और बच्चों की बूढ़ी दादियां, जिनके हाथ कलम पकड़ते ही कांपने लगते थे, मिनी स्कर्ट पहने लड़कियां, जिनकी आंखें नींद से बोझिल थीं, नाइट क्लबों से आते हुए युवक और उनके टूरिस्ट मित्र, सब जानते थे यह संकट की घड़ी है, सब जानते थे कि उन्हें संकट से उबारने कोई नहीं आएगा। पश्चिमी देश इसलिए नहीं क्योंकि वे समाजवादी देश के नागरिक हैं, ये बटी हुई दुनिया का त्रास है।
विभाजन जब हो चुका था पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में, कम्युनिस्ट देश इसलिए नहीं क्योंकि वे चेक जनता प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, जो उनकी कम्युनिस्ट देशों की स्टालिनवादी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है ना। पश्चिमी देश इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वे एक दूसरे खेमे के लोग हैं और जो इस खेमे के लोग हैं उन्हीं का तो आक्रमण या अपने ही खेमे का आक्रमण है मार्क्सवाद के प्रजातांत्रिक होने की कोशिश पर। इन दो पार्टियों के बीच इस छोटे देश के लोग केवल अपने पर ही निर्भर रह सकते हैं। बारिश हो तो रही है, पानी का जमाव अच्छा नहीं होता, कहीं भी खांसी हो उसके लिए, लेकिन फिलहाल बारिश बहुत ज़रूरी है और मैं दुआ करती हूँ कि थोड़ी बहुत से थोड़ी बहुत खांसी मुझे आती रहेगी कुछ कुछ। उस रात लाइन में खड़े इन प्राग वासियों को देखकर मुझे पहली बार किताबों के फॉर्मूलों में नहीं बल्कि ठोस जीवन व्यवहार से पता चला कि प्रौढ़ जाति की प्रौढ़ संस्कृति क्या चीज होती है। शत्रु और संकट के सामने उनका धैर्य और संतुलन अद्वितीय था। कोई गुस्सा नहीं कि उनकी सीमाओं के भीतर उनकी इच्छा की उपेक्षा करती हुई सोवियत सेनाएं घूम रही। शांतिपूर्वक विरोध कर पाना, मेरी एक कविता है, विरोध की भाषा सबसे अहम है ये तय करने में कि विरोध कितना सफल होगा और कितना दीर्घायु। शत्रु और संकट के सामने उनका धैर्य और संतुलन अद्वितीय था। कोई गुस्सा नहीं कि उनकी सीमाओं के भीतर उनकी इच्छा की उपेक्षा करती हुई सोवियत सेनाएं घूम रही हैं। कोई आक्रोश नहीं कि दिन दहाड़े मॉस्को वारसा पूर्वी बर्लिन के अखबारों में उन पर गालियों की बौछार होती है, गालियां जिनसे हम वाकिफ हैं क्योंकि एक ज़माने में वे इसी रॉ के साथ टीटो और यूगोस्लाविया पर इस्तेमाल की जाती। यूगोस्लाविया एक अलग कथा है, आखिरी देश यूरोप का जिसमें भयानक लड़ाई हुई है ना। लेकिन अभी हम यूगोस्लाविया की चर्चा नैम मूवमेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में कर रहे हैं, जिसमें नेहरू भी बहुत शरीक थे। कोई आक्रोश नहीं कि जो देश आज तक अपने को मानवीयता का अगुआ कहता आया है वह इस छोटे देश को बचाने के लिए उतावला हो जाएगा, जहां दुबचेक के शब्दों में हम और कुछ नहीं समाजवाद को उसका मानवीय चेहरा जो अरसे से उससे अलग हो गया था दोबारा लौटाना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है, यही हम सब चाहते हैं। मैं भीड़ की उस लंबी कतार को छोड़कर बीच सड़क पर आ जाता हूँ, प्राग की शांत गलियों में चलता हुआ सोचता हूँ मैंने अपनी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे निर्णयात्मक वर्ष इस देश में गुजारे हैं। क्या अपने दस्तखत देने से ही मैं कभी उनके प्रति अपना आभार और अंतहीन कृतज्ञता चुका सकूंगा। पिछले महीनों में दुबचेक के नेतृत्व में चेक जनता पहली बार अपनी उदासीनता और उदासी से मुक्त हुई, मतलब प्राग स्प्रिंग बहुत अल्पायु है,
जो लोग पिछले 20 वर्षों से आतंक से मार्क्सवाद में अपनी उम्मीद खो चुके थे, उन्हें पहली बार एक नई किरण दिखाई दी। पिछले 7 वर्षों में मैंने उतनी बहसों, वैचारिक आदान प्रदान और सभाओं में भाग नहीं लिया जितना पिछले 7 महीनों में। चेक मार्क्सवादी दार्शनिकों के लेख पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में अनुवादित किए जाते थे। वैचारिक स्तर पर इतने कम समय में मार्क्सवाद एक रेनेसां का वातावरण उत्पन्न कर सकेगा, इसकी कल्पना करना भी दूभर लगता था। लगता था स्टालिनवाद के मृत और निष्प्राण घेरे से मुक्ति पाकर समूचा देश लंबी घुटन के बाद पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा है। किंतु खुली हवा की यह विशेषता है कि वह बंद सीखचों और तालों के बीच भी रास्ता बना लेती है, और सोवियत संघ के वर्तमान नेताओं के लिए यह खतरे की निशानी है। और इसलिए तो दोस्तों मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ बहुत इसको, और आगे आपको हालांकि थोड़ा सा ही है, कल खत्म करती हूँ लंबी टिप्पणी के साथ। लेकिन फांसी पे अंत नहीं करना चाहती, इसलिए जो खतरा एक समय जार को था, वही एक दिन अपने को मार्क्सवादी कहने वाले क्रांतिकारियों के लिए उत्पन्न हो जाएगा। यह देखकर अचंभा होता है, और सोवियत संघ सबसे अधिक भयाक्रांत थे चेक आंदोलन से उतना नहीं जितना अपनी जनता से, जो स्वयं ताजी हवा के लिए लालाय दिखाई दी। कोरोना काल में ताज़ी हवा को हम सब तरस रहे हैं, बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब।